जिले में अमृत सरोवरों को दोबारा संवारा जाएगा। इसके लिए ऐसे सभी तालाबों की सूची तैयार होगी जो फिलहाल खस्ता हाल में है। बता दें कि अमृत सरोवर योजना के तहत 108 तालाब का निर्माण हुआ था। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि जिले में वर्ष 2021-22 से मार्च 2023 तक 84 का ग्राम्य विकास की ओर से 24 तालाबों का निर्माण कराया गया था। हालांकि विभाग की योजना के तहत 75 तालाबों का निर्माण का लक्ष्य मिला था। ग्राम्य में विभाग ने योजना में रुचि दिखाते हुए लक्ष्य से कहीं ज्यादा तालाबों का निर्माण कराया। अधिकारियों ने बताया कि कई ग्राम पंचायतों में अमृत सरोवरों को लेकर खस्ता हाल की जानकारी मिली है, लेकिन अब इन खस्ता हाल अमृत सरोवरों को दोबारा संवारने का कार्य किया जाएगा। ऐसे सभी तालाबों की सूची तैयार होगी जिनकी मरम्मत और सौंदर्यीकरण होना है। अमृत सरोवरों को मनरेगा योजना के माध्यम से संवारा जाएगा। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। जी, मैं अवगत कराना चाहूंगा, अमृतसर योजना के अंतर्गत जनपद में विगत वर्षों तक 108 अमृतसर निर्मित किए गए, जिसमें से 24 अमृतसर वन विभाग के द्वारा निर्मित किए गए और 84 अमृतसर ग्राम विकास विभाग के द्वारा निर्मित किए गए। वर्तमान में इन सभी अमृतसरों को कंचन विभाग संबंधित विभाग उनको हैंड ओवर किया गया है ताकि वो उसकी देख रेख करें, उसमें आजीविका संबंधित गतिविधियां संचालित करें ताकि उसका अधिकतम सत्योग और अमृतसर बहुत बड़े आदमी उद्देश्य में पूर्ण करें।